केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को ग्वालियर में खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस खेल प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी, गोला फेंक, लंबी कूद और सितोलिया जैसे बुनियादी खेल शामिल किए। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मकसद हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देना है, जहां पर प्रतियोगी अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सहित अन्य स्पर्धाओं में यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मौका भी मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि हर एक जिले में, हर एक क्षेत्र में ये खेल महोत्सव का आयोजन, उस खेल महोत्सव में हमारे नौजवानों की क्षमता, उनका हुनर का पूर्ण प्रस्तुतिकरण हो। और आज ग्वालियर में जो रस्साकसी हमने देखी है, कबड्डी देखी है और अब ये खेल भी हमने देखी, हमारी बच्चियां, हमारे नौजवान पूर्ण क्षमता से अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक एक जिला पंचायत, एक एक पंचायत स्तर पे, एक एक वार्ड स्तर पे हमारे टीम आयोजित की जा रही हैं और पूर्ण जिले के लोग में से सबसे उत्कृष्ट हमारे युवा और युवती हर एक के 7-8 खेलों में उभर के आए, ये हमारी मन की आशा और अभिलाषा है, ताकि प्रादेशिक स्तर पर, राष्ट्र पटल पर और विश्व पटल पर ग्वालियर के खिलाड़ियों का नाम हम लोग और रोशन कर पाए। सर, आपने सितौली भी खेली है, आनंद लिया सितौली का? बहुत सितौली भी खेली है और बहुत मज़ा भी आया है। अगले बार आप लोगों के टीम के साथ, मीडिया की टीम के साथ बना के हम लोग साथ में। एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया? एयरपोर्ट का उद्घाटन, एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, अगले 3-4 दिन में पूरी डीप क्लीनिंग सब कुछ हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री के तारीख के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भव्य आयोजन ग्वालियर में करेंगे।